नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केशव नगर स्थित भगवान नागेश्वर मंदिर प्रांगण में विगत 25 साल से हर साल हो रही भक्तिमय श्री राम कथा का भव्य समापन हो गया। इस कथा का आयोजन केशव नगर को बसाने वाले प्रसिद्ध अधिवक्ता समाज सेवी सीएल दीक्षित द्वारा हर साल कराया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कथा के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने और भंडारे में प्रसाद पाने के लिए श्री नागेश्वर मंदिर पहुंचे। इस मौके पर बोलते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रसिद्ध समाज सेवी सीएल दीक्षित ने कहा, हम सनातनी हैं और हमेशा से सनातन परंपरा मानव समाज का मार्गदर्शन करती आई है। क्या बोलना चाहेंगे, बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया आपके द्वारा? ये जो है लगभग जो है 25 वर्षों से भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर जो छठी होती है, ये छठी का भंडारा होता है और एक स्थापना दिवस फरवरी में मनाया जाता है, उसका उसमें यज्ञ होता है। वर्ष में दो प्रकार दो आयोजन किए जाते हैं और ये सब लोगों का आप लोगों सबका सहयोग है, जो आप देख रहे हो स्थिति देख ही रहे हो, इतनी भीड़ है, लोगों में उत्साह है, इतना उत्साह वर्धन है लोगों में, इतना जो है उत्साह लोगों में सब देखिए भीड़, प्रसाद लेने के लिए लोग घंटों लाइन लगाए हैं, ये भगवान की असीम अनुकंपा है हम लोगों के ऊपर और ईश्वर की बड़ी अनुकंपा हम लोगों के ऊपर है जो ये आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों सबका बड़ा सहयोग है, सभी का आभारी हूँ। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रिक माध्यम है, यही सब जो है साधन है जो दिखाते हैं लोगों को, आंखें चक्षुदर्शी प्रत्यक्ष वाली चीज़ें दिखाते हैं, नहीं हम लोग कहाँ बता सकते हैं, आप ही लोग उसका है जो आप लोग से बता रहे हो, आप लोग माध्यम से तमाम हजारों हजार लाखों लाख लोगों के पास जाएगी थी। देखिए अपने यहाँ धर्म के ऊपर सनातन जो धर्म है उस पर कोई आज ही नहीं है, इसके पहले 1500 वर्ष मुस्लिम शासन रहा, हजारों साल ब्रिटिश का शासन रहा और हमेशा सनातन धर्म को ही दबाया गया, क्योंकि जो बड़ा बड़ा होता है उसी को चारों तरफ से लोग घेरते हैं, उसी को दबाते हैं, लेकिन सनातन धर्म न कभी दबा है, न मिटा है, न मिटेगा, हमारी हस्ती है, रहेगी आगे भी और भविष्य में थी, सबसे पहले हम थे, सबसे बाद तक हम ही रहेंगे। और बहुत ही हर्ष के साथ अवगत करवाना है कि ये श्री सीएल दीक्षित जी के द्वारा नागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में विगत 23 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान की रामकथा का आयोजन, 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया, जिसका आज विशाल भंडारा है। यह भंडारा लखनऊ में प्रथम ऐसा भंडारा है जिसमें प्रातःकाल 12 बजे से रात्रि 1 बजे तक आप देख सकते हैं किस प्रकार भक्त उल्लास के साथ यहाँ पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं। एक ये कार्यक्रम होता है और 1 फरवरी में यहाँ भगवान श्री नागेश्वर महादेव का वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें बहुत धूमधाम से भक्त, देश विदेश से भक्त और साधु महात्मा सब उपस्थित होकर यहाँ पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है और ये भीड़ प्रातःकाल 12 बजे से चल रही है और रात्रि प्रभु इच्छा तक इसी प्रकार निरंतर चलती रहेगी। जय श्री राम। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।